वैश्विक महामारी कोरोना में अब सरकार ने ऑनलाइन सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए लोगों के बीच सामाजिक दूरी स्थापित करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन तो लगाया ही है, साथ ही इस दौरान कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पूर्वी चंपारण में जिला प्रशासन और कॉपरेटिव के सहयोग से तिरहुत सब्जी प्राधिकरण एवं विपणन सहकारी संघ ने ऑनलाइन ताजी सब्जी लोगों के किचन तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने इसकी शुरुआत का निरीक्षण करते हुए इस कार्य से जुड़े सभी कर्मियों को टैबलेट दिया। संघ ने www.tarkarimart.in नामक एक साइट बनाया है जिसके जरिए लोग ताजी सब्जियां ऑनलाइन बुक कर अपने घर पर मंगा रहे हैं। नेशन न्यूज के लिए मोतिहारी से धनंजय कुमार की रिपोर्ट। आज तिरहुत वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग यूनियन के द्वारा, जो मोतिहारी में इसका हेडक्वार्टर अवस्थित है, सहकारिता विभाग के माध्यम से इस लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन सब्जी जो है, फ्रेश सब्जी जो है, बेचने का उपक्रम स्टार्ट किया है। पटना में भी ये शुरू हुआ है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए लोगों को दिक्कत नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, फ्रेश सब्जी मिले, किसानों को लाभ मिले, इसके साथ साथ ही जो है वैल्यू एडिशन जो है, वैल्यू फॉर मनी जो है, जो कस्टमर है उसको भी मिले, क्योंकि यहाँ पे 21 तरीके की सब्जियां ये दे रहे हैं। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है, www.tarkarimart.in वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जो जिले आते हैं उसमें मोतिहारी जिले को आप सिलेक्ट करेंगे और मोतिहारी जिले का पिन कोड उसमें डाल देंगे तो आपको सब्जियों का ऑप्शन दिखेगा और सब्जी कौन सी सब्जी लेनी है 21 में से, उसके बाद जो है कौन सा उसमें आपको क्वांटिटी कितना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका रेट भी उसमें आ जाएगा। तो आपको एक फ्रेश अच्छी सब्जी जो है यहाँ पे तुरंत ऑर्डर मिलेगी और 24 घंटे के अंदर ये सब्जी आपको देते हैं। मतलब एक दिन पहले अगर आप बताएंगे तो ये लोग आपको पैकिंग करके अच्छी तरीके से सुरक्षित जो है आपके घर तक जो है ये सब्जी देने जा रहे हैं। इसके अलावा कल से भी जो है गाड़ी पे, पूर्व की तरह जो सहकारिता विभाग ने और तिरहुत यूनियन के द्वारा जो ये किया था वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग उपक्रम की, गाड़ियों पे भी जो है गली गली जाकर जो है इनकी व्हीकल जाएगी, ऐसे तीन व्हीकल से इन्होंने मार्क किया है और फ्रेश सब्जी जो है यहाँ से उपलब्ध की जाने वाली है। तो सभी लोगों को अनुरोध यही रहेगा कि ये जो उपक्रम है ऑनलाइन मार्ट, तरकारी मार्ट, जो बिहार की तरकारी अब हर घर में जाने वाली है, तो उसका लाभ जो है